हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हमने देख लिया सर्कल कमांड, देख लिया आई सेक्शन, देख लिया। तो आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूवीएल और यूडीएल। हम ये दो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं आज इस सॉल्यूशंस में। देखिए, इसके लिए आपको बेसिकली मैं आपको एक बोलता कि आपको इसके अंदर सॉम का नॉलेज इम्पोर्टेंट ही होगा, कंपल्सरी है। सॉम और मैकेनिक्स कंपल्सरी लगेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट मैं सिखा रहा हूँ ये आप बेसिक पार्ट है, इतना भी कुछ बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। ये सबसे बेसिक पार्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप कुछ एडवांस पार्ट शुरू होंगे इसके अंदर। क्योंकि हम कुछ पार्ट्स की जो ट्यूटोरियल्स हैं, मैं इसको बेसिक स्टूडेंट लेवल पर हम इसको अंदर सिखा सकते हैं, जो जिनको आंसर पता ही नहीं होता क्या है इसके अंदर सिखा सकते हैं। पर जिनको इंटरेस्ट है बेसिकली मटेरियल साइंस में या सॉम में या टॉलरेंस में, रिसर्च वर्क में, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट का पढ़ के आइए बेसिकली। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर, जो कि हमारा है यूडीएल। आपको यहाँ पर जाना है, स्ट्रक्चरल सिलेक्ट करना है, ओके। फिर इस पर जाना है, एलिमेंट टाइप पे जाना है, ऐड एडिट डिलीट पे जाना है। आपको जाना है बीम पे, टू नोट्स 118, ओके बोलना है, क्लोज बोल देना है यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया आपका, बस आपको यहाँ पर जाना नहीं है। फिर मटेरियल लाइब्रेरी में जाना है, लीनियर इलास्टिक आइसोमेट्रिक। आपके पर डालना है मटेरियल 2E5 डाल सकते हैं, या आपका कुछ आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन में बीम जाके हमने अभी हॉलो लेना है। ठीक है, आप हॉलो ले सकते हैं, हॉलो सिंपल है, दो सर्कल लीडर्स नहीं, हम सर ठीक लेवा लेते हैं। फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी, और यहाँ पर फाइव फाइव, और यहाँ पर आपका फाइव, थिकनेस फाइव डाल रहा हूँ मैं। प्रीव्यू, ओके। ठीक है, ये हो गई आपकी सी सेक्शन तैयार। तो सी सेक्शन में हमें डालना है यूवीएल। यूवीएल कैसे डालेंगे अभी आप इसके अंदर, पहले आपको इसके अंदर मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपको मॉडल चाहिए। तो बाय यूजिंग की पॉइंट्स मैं इसके अंदर मॉडल तैयार करूंगा। अप्लाई बोलना है यहाँ पर से आपको 100, अप्लाई। उसके बाद आपको यहाँ पर 250, अप्लाई। और अभी आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट डालना है, मैं 100 के ऊपर डालूंगा, 100/50 मीन्स एक्स एक्सिस होगा मेरा 100 और 50 मीन्स वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर ऊपर आएगा, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, ओके, लाइन में जाना है और स्ट्रेट लाइन दो, ओके ये बोलने से आपको यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको मेशिंग एट्रीब्यूट भी जाना है पहले, मेशिंग मेशिंग एट्रीब्यूट। आप यहाँ पर गए मेशिंग एट्रीब्यूट में जाके, मशीन टेबल में जाके आपको पिक लाइन करेंगे। आपकी लाइन देखो यहाँ पर, पिक लाइन एक और ये दो, ओके बोलना है यहाँ पर, यस आप नो करना है, और यहाँ पर ओके। आपको यहाँ पर फोर पॉइंट सिलेक्ट करना है और फिर से आपको यहाँ पर ओके बोलना है। इतना हो गया। आप ये जो कमांड है आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने किस तरह की है। ये आपको करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका टॉपिक आप अगला इस लास्ट में बताता है आपको एक क्यों करना है। पॉइंट सेलेक्ट करना है पहले आपको, पिक लाइन, लाइन डिवाइड करनी 30 पार्ट्स में आपको, कितना हो गया। आपको इसके अंदर भी अगर डालना है लोड डालने, राइट। तो अभी आप दिए स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट जाना है आपको, उसकी वजह ने आपको यहाँ पर की पॉइंट्स पे आपको यहाँ पर डी ओ या फिक्स करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर नोट्स डालने हैं। तो आपको मीन सॉरी यूवीएल डालना है, यूडीएल डालना है, तो प्रेशर पे जाना पड़ेगा। प्रेशर में जाके आपको यहाँ पर फॉर यूडीएल, कहाँ दिख रहा है आपको यूडीएल, नहीं दिख रहा है, ऑन बीम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको कौन से कौन से पॉइंट चले,
है इतना हो गया और ओके मेरी आई की जगह भी यूडियल डाल है, मेरा आई सेक्शन होगा 50 और जे बी सेक्शन होगा फिर 50, क्योंकि हम यूडियल सॉल्व करें इसलिए हमारे दोनों कॉन्स्टेंट हो गए। ओके गाइस इस तरह आ चुके, ये क्यों आए क्योंकि आपके यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट था इसलिए ये आपको यहाँ पर मिल चुके। आपको इनके सबका रेफरेंस पॉइंट ना नहीं होता तो ये नहीं आया, मीन आपकी रीडिंग कुछ मीन एक्यूरेट आई आई नहीं होती, जब जाना आपको जब आपको सॉल्व बोलना है। ओके सॉल्यूशन डन, क्लोज करना है आपको यहाँ पर। अभी अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर एनिमेट करके देखते हैं यार होता है क्या नहीं, क्योंकि थिंग्स एनिमेट हो रहा ही नहीं है वो। ओके पहले हमें साइज लेकर चाहिए और साइज लेते हैं और रिजल्ट फिर डिफॉर्मेशन ठीक है यहाँ से चलो। उसके बाद हम एनिमेशन पे जाएंगे मॉडल और ओके देखो यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है, मीन सॉलिड में एनिमेशन नहीं हो रहा है पर यहाँ पर हो रहा है, मीन इस तरह भी एक्चुअली यूडीएल में होती है ये आपको दिखा रहा है वो। ये पास किया हमने अभी स्लो करते मीन्स आपको समझ आ जाएगा किस तरह बीम एक्चुअली एक्ट करती है इन लॉ ऑफ नेचर्स में। स्टॉप करना है आपको यहाँ पर भी क्लोज ठीक है, अभी मैं इसको साइज शेप दे देता इसका। हम यहाँ से देखो व्यू देखो इसका 80 सेक्शन यहाँ पर हमारा कवर हो चुका है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे यूवीएल ठीक है, यूवीएल हम कैसे तैयार कर सकते हैं इसके अंदर। तो सिंपली गाइस सर्कुलर सेक्शन लेंगे अगले टॉपिक में, अभी हम बस आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक यूवीएल में मिलते हैं।